चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, कवि सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू, अवैध शराब की दुकान हटाने को लेकर दिया ज्ञापन, मतदान केंद्रों का किया भौतिक सत्यापन, जिला शिक्षा कार्यालयों की शिथिल शैली सुधारने की मांग। अब समाचार विस्तार से। कवि सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू। शिवगंज से हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका मंडल शिवगंज द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2020 का आयोजन 15 फरवरी को किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक संयम लोढ़ा एवं अध्यक्ष जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी रहेंगे। कवि सम्मेलन सुभाष सर्कल के पास रात्रि 8 बजे आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम कवि जिसमें हास्य गीतकार शायर श्रृंगार वीर रस के साथ कवि विपुल विद्रोही मंच संचालक करेंगे। कवि सम्मेलन को लेकर शहर में जगह जगह नगर पालिका द्वारा होर्डिंग लगवाए गए हैं एवं साथ ही निमंत्रण कार्ड के वितरण सहित विभिन्न तैयारियां पूर्ण कर ली है। अवैध शराब की दुकान हटाने को लेकर किया ज्ञापन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद में आयुक्त व सभापति के नाम नगर के वार्ड संख्या 17 के पार्षद गीता राजपुरोहित के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने झोंक नाले के पास टाकरिया बस्ती में अतिक्रमण पर चल रही शराब की दुकान को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिस पर नगर परिषद आयुक्त शिवपाल राजपुरोहित ने उसे शीघ्र हटाने का आश्वासन दिया। पार्षद के साथ राजेंद्र जैन, लक्ष्मण पुरोहित, दिग्वेश दवे, रामेश्वर कंसारा आदि मोहल्ले के प्रतिनिधि साथ थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मतदान केंद्रों का किया भौतिक सत्यापन। शिवगंज से हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सिरोही के आदेशानुसार मतदान केंद्रों में भौतिक सत्यापन एवं अपेक्षित परिवर्तन को लेकर उपखंड अधिकारी डीआर हुडा ने उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत नारादरा, कैलाश नगर, मनादर, अरटवाड़ा एवं नवगठित पंचायत भेव व कलदरी का दौरा कर पंचायत चुनाव के लिए गठित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें नारादरा में 2 स्थानों पर मतदान केंद्रों के स्थान पर एक ही स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। कैलाश नगर में ग्राम पंचायत भवन के मतदान केंद्र का परिवर्तन कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन में स्थापित किया गया। इसी तरह नवगठित ग्राम पंचायत भेव व कलदरी में भी नवनिर्मित भवन में मतदान केंद्र स्थापित किए गए। जिला शिक्षा कार्यालयों की शिथिल शैली सुधारने की मांग। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों वो 5 CBEO कार्यालयों की शिथिल लचर शैली से जिले के राजकीय विद्यालयों में लाखों रुपए खातों में पड़े हैं, लेकिन पैसे किसके लिए जमा हुए हैं यह पत्र व मेल विद्यालयों तक नहीं पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ शिक्षक व कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार किसके कितने रुपए कब जमा हुए इसके पत्र व मेल विद्यालयों तक नहीं पहुँचते हैं। जिले के राजकीय विद्यालयों में समय समय पर अनेकानेक सरकारी योजनाओं के पैसे जमा होते हैं। सिरोही जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों व CBEO कार्यालयों से यह नहीं बताया जाता है कि इन पैसों का करना क्या है, जिस पर राव ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर जिले के कार्यालयों की शैली सुधारने हेतु पाबंदी की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में शिक्षक नेता मौजूद थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व 5 CBEO में समन्वय के अभाव में समस्त विद्यालयों तक समय पर यह सूचना नहीं पहुँचती कि सरकार ने ये पैसा भेजा है तो उसका करना क्या है। तो आज हमने इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय सिरोही और मुख्य शिक्षा अधिकारी सिरोही को पत्र भेजकर इस समस्या से अवगत कराया है। इस समस्या का यदि समय पर निस्तारण हो जाता है, जिले की स्थिति सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको लेकर के हम
आगे आंदोलन के चरण तय करेंगे, जिसकी समस्त जिला जिम्मेदारी सिरोही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और पांचों सीबीओ कार्यालयों की रहेगी। और अब में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।